नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी के साथ गन्ना भुगतान को लेकर 32वें दिन धरना, बजाज मिल पर 300 करोड़ से ज्यादा का बकाया बताया जा रहा है। बजाज चीनी मिल परिसर पलिया में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बजाज चीनी मिल के परिसर पलिया में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किसानों के द्वारा यह धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 32वें दिन भी लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गन्ना भुगतान को लेकर 32वें दिन किसानों का धरना लगातार जारी है। आपको बता दें कि बजाज मिल पर 300 करोड़ से ज्यादा का बकाया बताया जा रहा है, जिसको लेकर किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार धरना करते करते 32वें दिन भी किसानों ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक हाउस में आग लग गई है। तेज धमाके के साथ धूं धूं कर जल रही मशीनें, भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण फिलहाल साफ नहीं हो पाया है और जांच की जा रही है। परतापुर इलाके में है ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक हाउस। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दिखा रहे हैं, हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और फिलहाल किस कारण ये आग लगी इसकी जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, परतापुर इलाके में है इलेक्ट्रिक हाउस और इसी में ये भीषण आग लगी है। हादसे के बाद आसपास के माहौल में हड़कंप मच गया। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक हाउस में ये आग लगी है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, तेज धमाके के साथ धू धू कर सभी मशीनें जल रही थी, लेकिन फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव लाने के झूठे वादे के साथ टीएमसी सत्ता में आई है। बंगाल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ट्वीट कर अत्याचारी शासन के खिलाफ लड़ रहे बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े रहने का दावा किया है और इसके साथ ही राज्य में बदलाव लाने के झूठे वादे के साथ टीएमसी सत्ता में आई। हालांकि कुशासन और भ्रष्टाचार ने व्यवस्था को इसके मूल में क्षतिग्रस्त कर दिया है। मैं अत्याचारी शासन के खिलाफ लड़ने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए लगातार खड़ा हूं। दिलीप घोष ने ट्वीट में लिखा कि सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी टीकाकरण रैकेट के खिलाफ मध्य कोलकाता में एक विरोध रैली निकाली। नकली वैक्सीन घोटाले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और केएमसी पहुंचने से रोक दिया गया। कोलकाता पुलिस ने कम से कम 54 प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह दावा किया कि टीएमसी फर्जी टीकाकरण गिरोहों के संदिग्ध मुख्य षड्यंत्रकर्ता देवांजन देव और सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं और केएमसी के आला अफसरों के बीच कथित संबंध को छिपाने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही बीजेपी ने इस मिलीभगत का पर्दाफाश करने के लिए इस प्रदर्शन का आयोजन किया था।